किस प्रकार से है आपका ये लोकेशन और इस वाली लोकेशन पे है आपका प्यारा सा मंदिर। दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं और अभी यहाँ पे हम घूमेंगे। बताता हूँ आपको, ये है सुनिए, बोलो जय माता दी। जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारी कुल माता का मंदिर है। तो आज फिर से अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। आजकल नवरात्रि चले हुए हैं और आजकल ही मतलब लोग बहुत सारे लोग आ। ये रहा आपका प्यारा सा बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल अपने बिलासपुर में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिमाचल ड्रीमर पे। तो पिछला वाला व्लॉग आपने देखा होगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है। आज मैं फिर से मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। एक मंदिर है यहाँ पे नज़दीक में आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारवीं में, सोनी माता जी का मंदिर। तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। अभी मम्मी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और मैं भी आ रहा हूँ, पीछे मम्मी और मेरी बहन आ रही है। यहाँ पे बिल्डिंग के पास मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे इसको मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया है। तो जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारी कुल माता का मंदिर है। तो आज फिर से अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अभी मम्मी गाड़ी में बैठ चुकी है और मम्मी पापा और बहन आ रहे हैं, तो उनका वेट करते हैं फिर चलते हैं घुमारवीं। हम घुमारवीं में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम मिठाई वगैरह ले रहे हैं, पापा गए हैं मिठाई लाने के लिए ज्ञान स्वीट्स, और फिर उसके बाद जाएंगे हम माता के मंदिर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ये मंदिर में और मेरी बहन ठीक है। तो आज कितनी खूबसूरत, खूब भंग की लग रही है ये खूबसूरत रोड। और यहाँ पे रहा आपके माता जी का मंदिर। आजकल नवरात्रि भी चले हुए हैं तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ये रहा आपके सोनी देव माता जी का टेंपल। तो चलेंगे ऊपर, पहले यहाँ पे नवेद वगैरह ले लेते हैं, नारियल। तो पहुंच चुके हैं हम अपने मंदिर और जय माता, जय माता सोनी देवी जी। यहाँ पे गेट है, ए बोलो जय माता दी। जय माता, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रात्रि चले हुए हैं और आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज देख सकते हो नवरात्रि आपके चले हुए हैं तो लोग बहुत सारे आज माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। आज के मतलब नवरात्रि में बहुत सारे लोग आएंगे, तो सीजनल टाइम में हम पहली बार आए हुए हैं यहाँ पे। हमने कर लिए हैं और अभी यहाँ पे हम घूमेंगे। बताता हूँ आपको, ये है सोनी माता जी का मंदिर और साथ में आपको देखने को मिलेगा भैरव का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे ये वाला आपका नया बना है और यहाँ पे लोगों की जात्र भी आई है। जात्र क्या होती है ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं और यहाँ पे बैठे थे हम कुछ खाने के लिए। तो देख सकते हो आप, ये अभी नया नया बना है और अंदर जात्र भी आई हुई है, आपको डांस दिख रहा होगा। और कुछ इस प्रकार सा भी हुआ है यहाँ पे। मैं आपको बता रहा कि जात्रा क्या होती है, जैसे जात्रा बोलते हैं और यहाँ पे यात्रा लेके जाते हैं पूरे गांव वालों को और यहाँ पे आनंदित रहते हैं पूरे लोग। यहाँ पे मतलब जैसे लंगर वगैरह यहाँ पे जो देते हैं ना, वो जात्रा वाले जो आते हैं वो देते हैं। मतलब यहाँ पे जो मंदिर है वो वाले तो करते हैं, पर अगर अपनी मर्जी होती है, अगर जैसे जो 50 लोग हैं उन्होंने यहाँ पे देना हो लंगर, कुछ सामग्री देनी हो, तो वो सब कुछ देते हैं यहाँ पे।
और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। आज पहली बार हमें देखने को मिला यहाँ पे, तो थोड़ा हेज है बट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इस वाली लोकेशन, शायद ये वाली लोकेशन है कि ये लोग वाली लोकेशन है, यहाँ पे बोलते हैं छत नाम की जगह है यहाँ पे। और कितनी ग्रीनरी लग रही है, बढ़िया। और इस वाले साइड आपका स्मैले वाला जो मंदिर है, ये उस वाली पहाड़ी, तो अभी हेज है यहाँ पे, बट उस तरफ आपका स्मैले वाला मंदिर है। और यहाँ पे रही आपकी ये जो आपको पुल दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये आपको अगर सीधी सड़क दिख रही होगी ना ये वाली, यहाँ पे आपका बर्ट ही बढ़ता है। और वहाँ पे एक नदी दिख रही है मेरे को, वहाँ पे अगर आपको दिख रही होगी। तो कुछ इस प्रकार से है आपका ये लोकेशन, और इस वाली लोकेशन पे है ये आपका प्यारा सा मंदिर। कल्चर दिखाता हूँ एक हमारा, एक जो कल्चर होता है हमारा, ये रहा आपका प्यारा सा बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल अपने बिलासपुर में माता सोनी देवी जी का। और चलिए अब जल्दी से जूते पहनते क्योंकि धूप लग रही है, और फिर फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो मम्मी और पापा पैदल चले गए हैं, और यहाँ पे रहा आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन आपकी यहाँ पे सोनी माता जी की, तो आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, और आजकल करना चाहिए क्योंकि आजकल नवरात्रि चले हुए हैं, और आजकल ही मतलब लोग बहुत सारे लोग आते हैं। देखो आपको ढोल वाले दिख रहे होंगे, तो बहुत सारी यात्रा आई है, तो आजकल सीजनल चला हुआ है, तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और हम यहाँ से इस वाली लोकेशन से भी चलते हैं क्योंकि मम्मी पापा चले गए हैं नीचे पैदल। कहाँ है आप, बण को जा रहे हो? दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं निहारी में, ये शोहाई लग रही है बस। सीजनल टाइम सोच चलते चलते हमने सोचा कि यहाँ पे पौधे भी ले जाते हैं आम के बगीचे के, तो मैं चल पड़ा फिर अंदर। और यहाँ पे मैंने भैया को पूछा, पहले मैं अंदर गया पर अंदर मेरे को कोई भी देखने को नहीं मिल गया, बिल्कुल सुनसान। यहाँ पे आपको पावर प्लांट दिख रहा होगा, और साथ में ये छोटा सा घर, यहाँ पे रेजिडेंस है, जो भी यहाँ पे जो लगाते हैं पौधे वगैरह वो यहाँ पे रहते हैं, बट यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं मिला। सर, सर जी, हेलो, कोई है? दोस्तों हम आ चुके हैं नीचे मंदिर से, और यहाँ पे बोलते हैं आपका निहारी बोलते हैं यहाँ पे आगे जैसे, और ऊपर ये जो बद्दागाड़ बोलते हैं, मतलब इस वाली लोकेशन पे ना, और ये वाला रोड आपको लेके जाएगा माता सोनी देवी से। एक वाला ये वाला रोड है, एक आपको जो आपका घुमारवी है मेन, वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ से ब्रिज आता है सैत लाइफ को, वहाँ पे आप पूछ रहे ना कि माता सोनी देवी के मंदिर है, कौन सा मंदिर जाता है। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल क्योंकि नवरात्रि चले हुए हैं, तो आप भी ज़रूर विजिट करना। तो यहाँ पे अभी हम रुके थे पौधे वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आम के पौधे, नींबू वगैरह के बगीचे भी है ना यहाँ पे, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे होंगे ये आम के बगीचे हैं, ऊपर भी आम के बगीचे हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं पौधे वगैरह आपके निहारी में, तो वो लेने के लिए आए थे। बट अभी यहाँ पे अंकल बता रहे थे कि 15 तारीख के बाद अभी मिलना स्टार्ट होंगे, तो तभी हम फिर से लेने आएंगे यहाँ पे, मम्मी पापा खुद ले लेंगे। और मम्मी पापा वहाँ पे गए थे देखने के लिए, तो उनको आने देते हैं, और आपसे मैं सीधे घुमा में करता हूँ बात। भूख बहुत लगी तो यहाँ पे मम्मी पापा के साथ ज्ञान स्वीट्स में हम मोमोज और खा रहे हैं यहाँ पे चना समोसा। तो दोस्तों घर में पहुँच चुका हूँ, और हम मम्मी पापा तो पहले, मतलब मम्मी और मेरी बहन तो आगे थे पहले ही घर पे, और बादल देख सकते हो आप आ चुके हैं, और ये मेरा प्यारा सा घर आप देख सकते हो, ये हमारा बैक साइड है घर की, और रोड निकलेगा जब भी तो बड़े बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज के लिए लोकेशन माता सोनी देवी जी, तो आपको उस लोकेशन को आजकल ज़रूर विजिट करना, नवरात्रि चले हुए हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस लोकेशन में। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।